स्वागत है मेरे प्रिय मित्रों, आपका अनिल शर्मा सॉरी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए मंथ ऑफ मे एंड 2018, और इस महीने में आपकी राशि का हाल कैसे रहेगा। और आज खासतौर पे मैं बात करने वाला हूँ स्कॉर्पियो राशि के बारे में। स्कॉर्पियन के लिए मंथ ऑफ मे यानी कि ये मई का महीना जो किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ेगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि भाई आपके लिए एक और अच्छी खबर ये है कि मैं लाइव प्रोग्राम FB के माध्यम से भी आपके लेके आता हूँ। फेसबुक पे यूके टाइम रात 8:30 से 9:30 हर बुधवार रात के समय इस प्रोग्राम को आप लाइव देख सकते हैं। उसमें आप भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका, एक सवाल आप उसमें पूछ सकते हैं। तो आपके साथ कैसे संबंध बन सकता है, कैसे ये चीज़ें आसान हो सकती हैं, उसकी कोशिश कर रहा हूँ। एक वैल्यूबल गाइडेंस जो है एक वैल्यूबल शब्द के माध्यम से आपके पास पहुँच पाए, उसकी कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ। और नई सोच के साथ नई दिशाओं को अपने साथ हमारी यात्रा में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियो राशि के बारे में। मंथ ऑफ मई जो 1 मई के रात को जब ये शुरू हो जाएगा महीना, उस समय ग्रहों की जो स्थिति होगी, धरती और आकाश का जो एक मिलाप होगा, ये जो स्वयंवर होगा, उस समय ये सितारे किस तरह से दुनिया के किस शोर पे क्या प्रभाव डालेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन हर राशि जो स्कॉर्पियो जुड़ी उसका क्या प्रभाव है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह बात करूंगा फर्स्ट हाउस यानी कि स्कॉर्पियो इटसेल्फ, यानी कि आपकी हेल्थ, आपका व्यक्तित्व किस तरह से प्रभाव करेगा इस बार। तो आप देखेंगे कि महीने की शुरुआत में ही आपके राशिपति मंगल जो है वो शनि के साथ, और शनि जो इस समय रेट्रोग्रेड है उनके साथ आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए होंगे। लेकिन एक इसमें बहुत अच्छी बात जो मुझे दिखाई पड़ती है वो है कि शनि रेट्रोग्रेड है लेकिन सुखेश और पराक्रम के कारक भी, और आपके राशि लॉर्ड के साथ या लगन लॉर्ड या आपके नाम की राशि जिस तरह से भी आपको, जो आपका सन साइन भी हो सकता है, क्योंकि आपका ये सवाल रहता है कि ये मून साइन है, ये सन साइन है, ये क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चक्कर में ना पड़े। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, स्कॉर्पियंस हैं, तो आप इसको जानने की कोशिश करें। तो ये सबसे पहली बात, जब मैं आपकी लगन को देखता हूँ तो मैं ये देख पाता हूँ, आपकी राशि देखता हूँ कि मंगल की अच्छी स्थिति और शनि का संबंध और शनि का सुखेश होना, और उसके बाद किसी भी ऐसे ग्रह का उनके ऊपर दृष्टिपात नहीं होना, ये अपने आप एक बहुत अच्छी बात है। धन यानी कि आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य धन की बात करूं तो आपका स्वास्थ्य जो है इस समय के दौरान उत्तम रहेगा, और आप लोगों में अपना जो अप्रोच है, अपना जो रुतबा है, अपना जो स्टेटस है, उसको बना पाएंगे, उसको दिखा पाएंगे। एक अच्छा महीना आप लोगों के लिए होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें और भी तरक्की होने के योग बनेंगे। कारण के सूर्य का परिवर्तन भी इस महीने के दौरान होगा, बहुत सारे ग्रहों में बदलाव की स्थिति भी उस समय के दौरान रहती है। तो ये जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं, और मैं देख रहा हूं कि मंगल मतलब महीने के शुरुआत में ही आपके सेकंड हाउस से उठ के आपके पराक्रम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि हिम्मत आपकी बड़ी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी होगी, आप एक्टिवली मजबूती के साथ हर चीज को लेंगे, और सेहत धन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बस एक्शन में रहिएगा, लेजी बिल्कुल नहीं होना। और मैंने बहुत कम लोगों को पाया है, लेकिन स्कॉर्पियन को कई बार पाया है कि ये लास्ट मिनट होते हैं और ये वो घोड़ा होता है जो रेस जो है वो जीत जाता है। तो धन की ही अगर बात करूं, अब आपके धन की बात करूं, तो धन की स्थिति हमने पहले ही देखी, मंगल और शनि, और मंगल उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं शनि का जो संबंध है वो बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति आपकी राशि से 12th हाउस में बैठा हुआ, तो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद खर्चे बढ़ जाएंगे। शनि का काम भी होता है कई बार कुछ चीज़ों को माइनस कर देना, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है कि मंथ ऑफ मई में आप कुछ सेविंग कर पाएंगे, धन की प्रचुर मात्रा में, एक निजमित मात्रा में धन का आवागमन जो है वो आपके पास बना रहेगा, और धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। इसी दौरान मैं ये भी कहूँगा कि शनि की स्थिति की वजह से कुटुंब यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं ना कहीं द्वेष की भावना भी पैदा हो सकती है। थोड़ा सा संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करें, और अगर ऐसा लगे कि ये समय सही नहीं है तो चुप हो जाना, जा बैकफुट पे आ जाना कई बार अच्छा होता है। जब समय अच्छा ना हो तो उन चीज़ों का झगड़ा करने में लाभ नहीं होता है। लेकिन कुल मिला के आप विजयी होंगे, इस बात में मुझे कोई दो राय दिखाई नहीं देती हैं। अगर मैं आपके पराक्रम की ही बात करूं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी की बात करूं, आपके सिबलिंग की बात करूं, आपके संबंधों की बात करूं, तो इन संबंधों की जब मैं बात करता हूं, देखता हूं, तो आपकी कुंडली में ये दिखाई पड़ता है कि मंगल उस ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा, ये एनर्जी आपकी बढ़ेगी, आपका अपने सिबलिंग के साथ संबंध जो है वो बेहतर होंगे, आप उनसे फ़ायदा ले पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यह समय
आपको नए तरह के कुछ जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। कई बार ऐसी कम्युनिकेशन आपका बन जाता है जिसको आप बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, अचानक से हो गया और ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं और जहाँ तक मैं अगर कहूँ आपके भाई बहन जो हैं वो निश्चित मात्रा में अगर किसी परिवर्तन की ओर हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। और जॉब को लेकर अगर उनका कोई भी माइंड बना हुआ है कुछ चेंजेस का, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा जी अपने आप में एक महीना उनके लिए एक बहुत अच्छा महीना होने वाला है। तो ये संबंधों की बात में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मातृ का संबंध जो है, माता का संबंध जो होता है फोर्थ हाउस से होता है, तो माता का संबंध जब मैं देखता हूँ तो आपके सुख शांत का कार्य दूसरे घर में माता के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। हालांकि माता की हेल्थ का कुछ जरूर हल्का फुल्का टेंशन जो है वो बनी रहेगी, लेकिन माँ समान औरतों के आशीर्वाद से उनके साथ से आप निश्चिंत रहें, आपका मंगल होगा। और ये महीना आपके लिए माता माता की ब्लेसिंग, मदर की ब्लेसिंग के साथ आपके लिए एक बहुत अच्छा महीना होने वाला है जिसका आप लाभ ले पाएंगे। अगर मैं बच्चों की बात करूं, जी हाँ, निश्चित तौर पे आपके फिफ्थ हाउस यानी कि जहाँ है जुपिटर, और जुपिटर आपके ट्वेल्थ हाउस में है और महीने की शुरुआत भी जुपिटर के नक्षत्र में यानी कि विशाखा नक्षत्र में होने वाली है। वहाँ पर चंद्रमा भी ट्वेल्थ हाउस में होंगे, जुपिटर भी ट्वेल्थ हाउस में गए, इसलिए कुछ चिंताएं जरूर बच्चों की ओर से रहेंगी। उनकी हेल्थ की चिंताएं जो रह सकती हैं, प्रेगनेंसी में जो कंसीव करना चाहते हैं उनको एक अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बिगनिंग में दिखाई देती हैं। अगर आप किसी IVF का प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छा प्लानिंग आपकी हो सकती है कि कुछ मुश्किलें जैसे मैंने कहा कि होंगी, क्योंकि 8th हाउस में, 12th हाउस में चला जाना, अपने घर से 8th हाउस में और आपकी राशि से 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं कोई चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि पाइसिस राशि है और संतान हमेशा बेहतर करती, तो इसका लाभ आपको मिलने वाला ही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, आपके शादी की बात करूं, तो आपके 7th हाउस में वीनस जो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप के मामले में निश्चित तौर पे कुछ नया होने वाला है, रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग मजबूत होती ही दिखाई दे रही है, उसके लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अगर मैं कहूँ जो लोग शादीशुदा उम्र के हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन, उनके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करने के मन बना बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ये महीना आपके लिए लकी होगा और आपके संबंधों में पारिवारिक गेट टुगेदर में आपको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। कई बार शादियाँ नहीं होती हैं लेकिन शादियों में जाना जरूर पड़ देता है, तो कहीं ना कहीं ये समागम जो है आपसी रिलेशनशिप को बढ़ाने का है। और आपके खुद के गृहस्थ जीवन में भी ये समय एक अच्छा समय जो है, इस महीना जो है एक अच्छा महीना जो है वो बना हुआ है। तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति आपके लिए देख पा रहा हूँ रिलेशनशिप के मामले। अगर वहीं मैं अब आपकी बात करूँ कि आपका सुख कैसे रहेगा, सुख की बात अगर करूँ तो घर गाड़ी की बात आ जाती है, हमें घर चाहिए, हमें बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो मैं ये कहूँगा जमीन प्रॉपर्टी किसी तरह का कोई झगड़ा है, किस तरह की कोई चीज़ है, आप उसको बेचना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, तो इसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, बड़ों का आशीर्वाद, लेकिन कुछ झगड़े जरूर साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो उन झगड़ों से कहीं ना कहीं आपको पार पाना होगा, क्योंकि राहु की स्थिति जहाँ पे झगड़ों को जरूर पैदा करेगी। अब आप कहेंगे कि राहु की स्थिति, राहु का कोई संबंध नहीं है, कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती हैं जिनका कई बार बहुत गहराई से अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि उनका संबंध है। तो जहाँ झगड़ों के साथ कुछ समावेश बना हुआ है और उससे आप प्रॉपर्टी के माध्यम से कुछ लाभ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जिसका लाभ आपको होगा, और निश्चिंत रहें यह महीना आपके लिए विजय लेके आएगा और आप अपने इस जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें आप कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी बदलना चाहते हैं निश्चित तौर पे बदल लें, लेकिन नीले रंग की गाड़ी बिल्कुल ना लें, इस चीज़ का अपने साथ में ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ आपके जॉब की, आपके कारोबार की, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्थिति होती है, कुछ भी चीज़ हमारे पास इनकम कैसे होगी, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनकम जो है आपकी जॉब जो है उसमें जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी इस तरह की दिखाई दे रही है जिसमें परिवर्तन कुछ नया आपको करना पड़ेगा, आप अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र आपकी हो सकती है, ये भी स्थिति है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये कुंडली को मैं देखता हूँ तो ये आपकी इच्छा अनुसार होने के योग हैं। अगर आपका कोई भी वीजा से जुड़ा हुआ मैटर है, अभी तक आपको वीजे की एप्लीकेशन डाली है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये समय वीजा कलेक्ट करने का समय हो सकता है, सक्सेसफुल आपकी एप्लीकेशन हो सकती है। फॉरेन यात्रा में ये जो स्थिति है, ये जो बिजनेस यानी कि जॉब कोई काम के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, उस तरह की जो वीजा है वो भी आपको मिल सकता है। तो काम के सिलसिले में कहूँगा कि जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, IT में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, इसके अलावा ये कहूँ कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, इसके अलावा मैं कहूँ अगर तो जो भी लॉ सूर से काम में काम करते हैं उनके लिए एक बेहतरीन समय ये बन चुका है। स्कॉर्पियन जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं आपको काम में परिवर्तन, नई ज़रूरतें आपके उस हिसाब से चेंजेस करनी पड़ेंगी और आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात है आपकी, मैं कहूँ कि
इंटरव्यू नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि भाई जो कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा है, जॉब में है उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा। तो जब मैं उस कुंडली को आप मेरे सामने जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यह अभी कुछ निराशा है, अभी कुछ निराशा है, लेकिन ये निराशा के बादल छट जाएंगे ऐसी उम्मीद है। किसी झगड़े में ना पड़े। आप अगर बिजनेस करते हैं, आप अगर एम्प्लॉयर हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना होगा कि जो लोग आपके पास काम करते हैं उनके पेपर्स डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि वो लीगली आपके पास काम कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक करें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। ये एक फाइन का कारण आपके लिए हो सकता है। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं, धर्म और कर्म की जो स्थितियाँ हैं, ये सब आपके लिए अच्छी हैं। यात्राओं का सिलसिला भी साथ में बन सकता है, अनएक्सपेक्टेड यात्राओं के योग भी इस बार कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये महीना आप लोगों के लिए एक बेहतरीन महीना होगा और आपको आपके स्टेटस को चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद होगी। अंत में एक बार फिर से कहूंगा, अगर आप लाइव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फेसबुक के ऊपर मेरा बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से एक लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। कोई सवाल हो आपका आप पूछ सकते हैं, बस बात बन जाएगी, सामने से आपको आंसर मिल जाएगा, लाइव मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने आता रहूं। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपके जून महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।